unanimously as the greatest after the Anbiya. Nobody is greater than Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala after the Jamaat of the Anbiya Kiram. And it is a coincidence, alhamdulillah, that today is the day of the Wisal of Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. To learn of their greatness, of their services, of their renderings for Islam, the sacrifices that they gave, and then more importantly, to take them as role models, follow in their footsteps. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala out of the Sahaba, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, the hub and the shukr, the love and being thankful to Abu Bakr is wajib upon every single one of my ummati. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the true love for the Sahaba and the ability to follow in their footsteps. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. नस्बत की बहारें बयान फरमा रहे और बड़े ही प्यारे अंदाज में कुरान सुन्नत का नूर हम सब के दिलों में मुनव्वर फरमा रहे थे। इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए, इसी वजह को बरकरार रखते हुए, इसी मोहब्बत को कायम रखते हुए, मैं इंतहाई राय के साथ एहतराम मानचेस्टर की सरजमीन से आए हुए हमारे फाजले नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना शाहजहां बदरी साहब से मुंतमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और अपने बंगला अंग्रेज खिताब से हम सबको मुनव्वर फरमाएं। मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिएगा नारा तकबीर अल्लाहू अकबर बुलंद करके नारा रिसालत या रसूल अल्लाह बोलो नारा रिसालत या रसूल अल्लाह नारा तहकीक नारा हैदरी नारा अहले सुन्नत जिंदाबाद सुन्नी जमीयत आबाद जिंदाबाद दुनिया का शहंशाह इरफान शाह इरफान शाह نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء صدق الله مولانا العظيم درود پاک پڑھیے بابا جناب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پڑھیے سنا जीनत मजलिस अमीर बज़्म मोहब्बत पीर तरीकत रहबर शरीयत फख्रुल उलमा मुनाज़िरे इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद सैयद अरफान शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहु क़ुद्दसिया शौकत इस्लाम मुक़्तदर उलमाए मिल्लत इस्लामिया सराखाना नज़ी वक़ार क़ुर्रा और नाक़िसान हज़रात रहनुमाया ने कौम और जान से अजीज तर दीनी यकीनी और अजीम सुन्नी भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद के मुस्तहिक थे सुन्नी जमीयत अवाम बरतानिया के जुमला अहदेदारान व अराकीन जो के फख्रुस सादात की सरपरस्ती में ये बज़्म मोहब्बत जो अकीदे की सच्ची बज़्म है इसमें उस शम्मा की रोशनी में हम सबको लेकर जा रहे हैं जो आज रोशन नहीं हुई 1400 साल कबल जिसको मेरे आका ने और मेरे रब ने रोशन किया उसकी रोशनी को उम्मत के सीनों में फैलाने का अजम लिए हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी इन कामों में
दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। सामने मोहतरम 15 मिनट है मेरे पास और किबला शाह जी के हुक्म पर मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत के हुजूर किस अंदाज में नजराने अकीदत पेश करें कि जो आईने मशीयत का शनासा भी हो, शुरू है, जो आईने मशीयत का शनासा भी हो, जो मिजाज नबूवत से भी आशना हो और ऐसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत के हुजूर नजराने अकीदत है कि जिसके बारे में मेरा और आपका फरमान नहीं, खुद मेरे आका ने फरमाया कि आसमान उस शख्स पर आसमान का सूरज न तलू हुआ है न गरूब हुआ है अंबिया के बाद जो फजीलत में अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर हो। नमस्तों के पढ़िए सुभान अल्लाह। जो फजीलत में सैयदना सिद्दीक के अंदर रजी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर हो। चलते चलते ये बताता चलूं, मैंने शायद 3 साल पहले भी ये जुमला कहा था, बस में सिद्दीक के अकबर सजाना, बोले 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 सिद्दीक के अकबर के जिक्र की बज्म सजाना, ये खुद मेरे आका जनाबे मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है। आज सुनियो अपने मुकद्दर पे नाज करो। रब्बे किब्रिया ने शादी नुक्ता दे रहा हूँ मोहब्बत वाला, रब्बे किब्रिया ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वइज अखज़ल्लाहु मीसाकन नबीय्यीन का इशारा, मैं आयत भी पढ़ना चाहता, इशारा दिया है अल्लाह ने अपने महबूब की बज्म सजाई, अल्लाह ने अपने महबूब की बज्म सजाई अर्श पर उस आलम अरवा में, अल्लाह ने अपने महबूब की बज्म सजाई और अल्लाह के महबूब ने अपने सहाबा की मौजूदगी में अपने महबूब की बज्म सजाई, अपने महबूब की बज्म सजाई। सारी जिंदगी तूने मेरी मदरसाई की है, मेरी नाक पड़ी है, मेरे यारे घर के मुतलक भी तूने कुछ लिखा है। आका ये किस तरह हो सकता है कि आपका जिक्र करूं और आपके यारे घर का जिक्र न करूं? सिद्दीक के बावफा का जिक्र न करूं, अदाशिला से मिजाज नबूवत का जिक्र न करूं, जो हर मकाम में फजीलत के हामिल है, सहाबा का मजमा लगा हुआ, सुनने वाले मेरे आका ने फरमाया आसान तू बयान कर, मैं भी सुनता हूँ, मेरे सहाबा भी सुनते हैं, तो सुन्नी अपने मुकद्दर पे नाज कर। जब सिद्दीक के अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र की मजलिस हम सजाते हैं, शाह साहब ने अपने नाना हुजूर के चलते आला हुजूर के नक्शे कदम पर चलते हुए आज ब्रेडफोर्ड में उलमा ए मिल्लत इस्लामिया को मदू किया, आपको मदू किया, कहा वही सबक उम्मत को पढ़ा रहा हूँ जो मेरे जद्दे आला 1400 साल पहले पढ़ा कर गए थे। सूरज भी इस महबूब के नूर की वजह से मौला 27 को क्यों कर
کوئی شبدیق کے راستے پر چل رہا ہے، کوئی بوجہان کے راستے پر چل رہا ہے۔